एचएल का कहना है कि जरूरी स्पेयर पार्ट ना मिलने की वजह से तेजस का प्रोडक्शन धीमा पड़ रहा है। राफेल जेट की पहली बैच भारत को जुलाई 2020 तक मिलने वाले, लेकिन भारत को इन जेट को डिलीवर करने से पहले फ्रांस इनको मिडिल ईस्ट क्यों भेजने वाला है? और चाइना अभी गिलगित बल्टिस्तान रीजन में दुनिया की सबसे ऊंची डैम को बनाने जा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि भारत की तरफ से इसका क्या जवाब दिया जाता है। आज की वीडियो में हम इन्हीं सब खबरों के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एचएल की तरफ से है। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन का काफी बुरा असर अभी तेजस की प्रोडक्शन के ऊपर पड़ रहा है। हालांकि तेजस की प्रोडक्शन को दोबारा चालू किया जा चुका है, लेकिन पैंडेमिक की वजह से ये पहले जैसा पेस नहीं पकड़ पा रही है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि तेजस में कुछ मेजर इक्विपमेंट बाहर से मंगाए जाते हैं, जिनको इम्पोर्ट करने में अभी प्रॉब्लम आ रही है। तेजस SP-21 को अपना टेल नंबर मिल चुकी है और वहीं पर SP-22 का इंटीग्रेशन कम्प्लीट हो चुका है और अभी इसको पेंट वर्कशॉप में भेजा गया है। इसके बाद इसकी टेस्ट फ्लाइट को कंडक्ट किया जाएगा, जो कि शायद जून की पहले हफ्ते में किया जा सकता है। SP-23 और 24 का असेंबली 80% और 70% तक कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कुछ कंपोनेंट्स की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से पूरा नहीं हो पा रहा है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि असेंबली लाइन में अभी तक SP-31 तक के तेजस पर काम चल रहा है, लेकिन वही पार्ट्स की अवेलेबिलिटी इशू होने की वजह से इनको पूरा करने में ज्यादा समय लग रहा है। अगला अपडेट राफेल जेट की डिलीवरी को लेके है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राफेल जेट की पहली बैच भारत को जुलाई के अंत तक मिलने वाले हैं। हालांकि पहले ही हमें राफेल की पहली बैच को ऑफिशियली हैंडओवर किया जा चुका है, लेकिन अभी भी ये जेट फ्रांस में है। ये मार्च के अंत तक हमको मिल जाने चाहिए थे, लेकिन इसी बीच क्या हुआ आप सब जानते हैं, और इसी वजह से राफेल अभी तक हमको डिलीवर नहीं किए गए हैं। अभी हमें 4 राफेल जेट को डिलीवर किया जाएगा, जिनमें से 3 ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट और 1 सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट है। इन फाइटर जेट्स को हमारी 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा और इनकी टेल नंबर को हमारे एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया जी के नाम से रखा जाएगा। राफेल की पहली यूनिट जब फ्रांस से भारत के लिए उड़ान भरेगा, तो इसे इंडियन एयरफोर्स के 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर और एक फ्रेंच पायलट के द्वारा उड़ाया जाएगा। फ्रांस से भारत आते वक्त मिडिल ईस्ट रीजन में इसे फ्रांस के एक एरियल टैंकर से एक बार रिफिल किया जाएगा और वो कुछ समय के लिए मिडिल ईस्ट में मौजूद फ्रांस की एयरबेस में रुकने वाले हैं। इसके अलावा भारत में लैंड करने से पहले भी जरूरत पड़े तो इंडियन एयरफोर्स की IL-78 टैंकर से इसको रिफिल किया जाएगा। मिडिल ईस्ट में रुके बिना ही राफेल सीधे भारत आ सकता है, लेकिन इतनी लंबी उड़ान के दौरान पायलट काफी स्ट्रेस में पड़ सकते हैं और बिना मतलब के हमारे पायलट्स को स्ट्रेस में डालने की कोई जरूरत नहीं, और इसी वजह से वो पहले फ्रांस से मिडिल ईस्ट में आएंगे और मिडिल ईस्ट में थोड़े समय रुकने के बाद भारत के लिए आने वाले। अगला अपडेट MH-60R हेलीकॉप्टर को लेके है। आप सबने सुना होगा कि भारत और यूनाइटेड स्टेट के बीच 24 MH-60R हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए बातचीत किया गया था और इसी साल की फरवरी में हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इसको क्लियरेंस भी दे दिया गया था, लेकिन ये डील फॉरेन मिलिट्री सेल के अंदर किया गया था। तो इन हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी भारत को सिक्रोस्की के बदले यूनाइटेड स्टेट नेवी की तरफ से किया जाएगा और इसी वजह से अभी सिक्रोस्की और यूनाइटेड स्टेट नेवी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया है। अब इन हेलीकॉप्टर की डिलीवरी 2021 की स्प्रिंग सीजन में भारत को कर दिया जाएगा और इस डील की कीमत लगभग $905 मिलियन बताया गया है, जबकि पहले इसको $2.6 बिलियन बताया जा रहा था। लेकिन अभी सिक्रोस्की की तरफ से इसमें दिए जाने वाले विपन पैकेज के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। इनिशियल डाटा के मुताबिक इसमें भारत को हेल फायर मिसाइल, MK-54 टॉर्पेडो, मल्टी मोड रडार और मल्टी स्पेक्ट्रल टारगेटिंग सिस्टम भी मिलने वाला था, लेकिन इसमें वो भारत को क्या क्या इक्विपमेंट सप्लाई करने वाले हैं इस बात को अभी सीक्रेट रखा जा रहा है और सिक्रोस्की और यूनाइटेड स्टेट नेवी के बीच नेगोशिएशन चल रही है। अगला अपडेट भारत, चाइना और पाकिस्तान को लेके है। फ्राइडे को चाइना और पाकिस्तान के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया, जिसमें वो गिलगित बल्टिस्तान रीजन में द्यामेर भाषा डैम को बनाने वाले हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत लगभग $5.8 बिलियन होने वाली है और इसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट और चाइना की पावर और फ्रंटियर वॉक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा साइन किया गया है। इस बात को लेकर भारत खुश नहीं है, क्योंकि इस डैम के बनने के बाद 8 मिलियन एकर फीट वाटर को वहां पर स्टोर करके रखा जा सकता है और इसमें से लगभग 4500 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा सकता है। लेकिन ये डैम बनने के बाद वहां पर चाइनीज एक्टिविटी बहुत ज्यादा तेज हो सकती है और लद्दाख में पानी की भी कमी दिखाई पड़ सकती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस एरिया में पाकिस्तानी डैम को बनाना चाहता है वो हमारा इलाका है और इस बात को लेकर 2010 में भी भारत की तरफ से कम्प्लेन किया गया था
और डैम की प्रोजेक्ट को उस वक्त रोक दिया गया था, लेकिन अभी चाइना और पाकिस्तान इसे दोबारा शुरू कर रहे हैं। चाइना अभी खुलकर इस बात का समर्थन भी कर रहा है। देखिए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जब भी फ्यूचर में भारत पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करेगा तो चाइना इन्हीं सब इन्वेस्टमेंट का बहाना बनाकर भारत के ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर सकता है या फिर जंग छेड़ सकता है। लेकिन अगर चाइना ऐसा करता है तो चाइना को काउंटर करने के लिए भी कई देश मौका ढूंढ रहे हैं। अगला अपडेट कोस्ट गार्ड की तरफ से है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा फ्राइडे को इंडियन कोस्ट गार्ड में ICGS सचेत और दो इंटरसेप्टर बोट C450 और C451 को कमीशन किया गया है। ICGS सचेत की बात करें तो ये इंडिजिनसली डिजाइन किया हुआ ऑफशोर पेट्रोल वेसल है जिसे गोवा सिपेट लिमिटेड की तरफ से बनाया गया है। इस तरीके के टोटल 5 वेसल बनने वाले और इनमें से ये पहला वेसल है। वेसल करीब 105 मीटर लंबा है और इसकी डिस्प्लेसमेंट करीब 2350 टन की है। ये एक ही बार में 6000 नॉटिकल मील को कवर कर सकता है और इसकी मैक्सिमम स्पीड लगभग 26 नॉट की है। इसमें एक ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर, 4 हाई स्पीड बोट और एक इन्फ्लेटेबल बोट को भी कैरी किया जा सकता है। वहीं पर इंटरसेप्टर बोट यानी कि C450 और C451 की बात करें तो इनको LNT की तरफ से बनाया गया है। ये लगभग 30 मीटर लंबे और इनमें भी सभी प्रकार की मॉडर्न नेविगेशन इक्विपमेंट दिए गए हैं। ये वेसल्स करीब 45 नॉट की रफ्तार में ट्रैवल कर सकते हैं जो कि हमारी कोस्ट गार्ड को हाई स्पीड इंटरसेप्शन मिशन में काफी मदद करने वाले हैं। अंत में एक बात यहां पर बताना भूल गया कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा जो तीनों वेसल अभी इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल किए गए इनको वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही कमीशन किया गया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।